चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। तो जींद में रणदीप सुरजेवाला की जनसभा में हंगामा हुआ है, तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जनसभा में सुरजेवाला से व्यक्ति ने माइक छीनने की कोशिश की है, व्यक्ति पर जनसभा में मौजूद कार्यकर्ताओं ने पीट कर उसे बाहर कर दिया। तो व्यक्ति खुद को कांग्रेस का कार्यकर्ता बता रहा था, ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। फिलहाल उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है पुलिस ने। तो रणदीप सुरजेवाला यहां पर सभा करने पहुंचे थे, जनसभा में हंगामा हुआ है। जींद में रणदीप सुरजेवाला की यह जनसभा थी, जनसभा में सुरजेवाला से व्यक्ति ने माइक छीनने का प्रयास किया है, व्यक्ति पर जनसभा में मौजूद कार्यकर्ताओं ने उसे पीट कर बाहर कर दिया। व्यक्ति खुद को कांग्रेस का कार्यकर्ता बता रहा था, तो व्यक्ति को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, व्यक्ति पुलिस की हिरासत में है। रणदीप सुरजेवाला की जनसभा में माइक छीनने की कोशिश की व्यक्ति ने, और जींद की खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर रणदीप सुरजेवाला की जनसभा हो रही थी। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर गहमा गहमी की स्थिति देखने को मिली। हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं आप ये तस्वीर। रणदीप सुरजेवाला की जनसभा जींद में आयोजित की गई थी, जहां पर एक व्यक्ति पहुंचा और उसने माइक छीनने की कोशिश की। तो गहमा गहमी का माहौल यहाँ पर देखने को मिला। इस व्यक्ति ने खुद को कांग्रेस का कार्यकर्ता बताया है और इस व्यक्ति को उसके बाद उस जगह से बाहर निकाला गया। तो हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख रहे हैं। राजीव राठी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, कब का ये पूरा मामला है और अभी क्या स्थिति है? जिस व्यक्ति ने माइक छीनने की कोशिश की है उसे लेकर क्या कुछ कहा गया, कौन है ये व्यक्ति? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जींद में आज रणदीप सिंह सुरजेवाला कर्नाटक जीत के बाद जो है पहली बार जींद पहुंचे थे और हाथ से हाथ जोड़ों कार्यक्रम का आयोजन जो है जींद में किया गया था। जब रणदीप सिंह सुरजेवाला मंच से संबोधित कर रहे थे तो उसी वक्त जो कांग्रेस का वो अपने आप को कार्यकर्ता बता रहा है, गाँव इगड़ा का वो जींद के रहने वाला, उसने जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला का माइक छीनने की जो है प्रयास किया और माइक छीनते वक्त उसने नारे लगाए कि आपने जो है कांग्रेस पार्टी को दो दड़ों में बांट दिया है। उसके बाद जो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे उन्होंने जो है युवक के साथ जो है जमकर बुनाई की है, जहां कार्यक्रम था वहां से 100-200 मीटर दूर तक उसकी चित्र परेड हुई है, उसके साथ मारपीट हुई है। हालांकि उसी दौरान जो है पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस उसे अपने साथ बिठाकर जो है थाने ले गई है। हालांकि देखिए मैं आपको बता दूं कि जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात करें, आज ये पहला प्रोग्राम था जिसमें कांग्रेस पार्टी एक होती हुई दिखाई दे रही थी। जिन जिले की बात करें क्योंकि तो हुड्डा खेमे के नेता है जो लगातार जो कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगते रहते हैं कि कांग्रेस में गठबंधन नहीं है, कांग्रेस पार्टी जो है टूटी हुई है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जो है कहा था कि आप हुड्डा के भी फोटोज लगाइए, तो हुड्डा के फोटोज जो है पूरे प्रोग्राम में बैनरों पर नजर आ रहे थे, लेकिन जो हुड्डा खेमे के जो नेता है वो वहां पर मौजूद नहीं थे। तो कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं नाराजगी है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी तो जो व्यक्ति अपने आप को कांग्रेस का पुराना कार्यकर्ता बता रहा है, वो पुराना कार्यकर्ता है या इसके पीछे किसी और की क्या साजिश है, वो आने वाले समय में चलेगा। हालांकि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हंगामे की बात जो है मन से कहा कि ऐसे ऐसे व्यक्ति जो है दारू पीकर उस से गर्मी है जैसे हंगामे करते रहते हैं, इसकी कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल। राजीव, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि ये सब मामला होने के बाद क्या ये जनसभा चलती रही आगे? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ये हंगामा हुआ व्यक्ति को जो है बाहर की तरफ निकाल दिया गया था, उसके बाद सुचारू रूप से जो कार्यक्रम चला था वो चला है। हालांकि आज कांग्रेस का जो कार्यक्रम था जींद में उसमें हालांकि पूरी भीड़ दिखाई दी, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में जो है छोटे से प्रोग्राम में लोग जो है पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम जो सुचारू रूप से चला है और जिनसे रणदीप सिंह सुरजेवाला निकल रही थे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर एक व्यक्ति पहुंचता है और जब रणदीप सुरजेवाला अपना भाषण दे रहे थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान उसने माइक छीनने की कोशिश की है। जो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे उन्होंने इस व्यक्ति को पीट कर बाहर किया। फिलहाल पुलिस के हिरासत में है व्यक्ति और पूछताछ की जा रही है। व्यक्ति अपने आप को कांग्रेस का पुराना कार्यकर्ता बता रहा है।